नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा अब बुक रीडर में। तो चलिए आज मैं पढ़ाता हूँ डूइंग फॉर अदर्स, ठीक है। तो इसको हिंदी से इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, तो शुरू करते हैं। और 2 क्लास के बच्चे लोग जो हैं बहुत ही केयरफुली से सुने और पढ़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग। वंस अपॉन अ टाइम का मतलब होता है एक समय की बात है। देयर लिव्ड अ किंग, देयर मीन्स वहाँ, लिव मीन्स रहता था, अ मैंने एक, और किंग मीन्स अपना राजा। वहाँ एक राजा रहता था। ही वॉज पॉपुलर फॉर हिज काइंडनेस एंड जस्टिस। इसका मतलब होता है ही वॉज पॉपुलर, पॉपुलर में प्रसिद्ध, वो प्रसिद्ध था फॉर हिज, अपने लिए काइंडनेस और ये दयालुता और जस्टिस मैंने इंसाफ करने के लिए। तो इंसाफ और दयालुता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध राजा था, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट है, वन डे ही वेंट टू नियर बाई विलेज विथ हिज मिनिस्टर। इसका मतलब होता है वन डे, मतलब होता है एक दिन। ही वेंट, वेंट मैंने गो, वेंट गोन मैंने गया, ही वो वहाँ गया, वो गया टू अ नियर बाई विलेज मैंने नियर बाई विलेज एक गांव में, जो अपने राज्य से सटे हुए जो है गांव में गया विथ हिज मिनिस्टर, अपने मंत्रियों के साथ, राइट। यहाँ तक समझ में आ गया। एज ही वॉच वॉकिंग ही सॉ एन ओल्ड गार्डनर। ही वॉच, वह पैदल ही चल रहा था। ही सॉ मतलब वह देखा एन ओल्ड गार्डनर, बूढ़े गार्डनर, गार्डनर को देखा, गार्डनर मीन्स बगीचे वाला, ठीक है। नेक्स्ट, ही वॉज प्लांटिंग अ मैंगो प्लांट। ही वॉज अ प्लांटिंग, ही मीन्स वह, वॉज मीन्स था, प्लांटिंग मीन्स प्लांट भी सोता लगाना, ये हमेशा पौधे के लिए यूज होता है। प्लांटिंग में वह पौधे लगा रहा था, एक मैंगो का प्लांट, आम का एक पौधा लगा रहा था, राइट। समझ में आ गया। द किंग वेंट नियर हिम एंड आस्क। राजा, किंग मीन्स राजा, वेंट नियर हिम उनके पास गया एंड आस्क पूछा, इज इट योर ब्यूटीफुल गार्डनर, क्या यह गार्डनर जो बगीचा जो है आपका, सुंदर बगीचा जो है आपका है। द गार्डनर रिप्लाइड जेंटली, नम्रतापूर्वक जवाब दिया, यस यस लॉर्ड, इट इज माई गार्डन, यह मेरा ही बगीचा है। यस यस लॉर्ड मतलब क्या होता है, लॉर्ड मीन्स आपको पता है भगवान होता है। तो यहाँ पे हे भगवान, यह बगीचा मेरा ही है। एक्चुअली दिस गार्डन इज अ गिफ्ट ऑफ माई फोर फादर। वास्तव में यह जो बगीचा है ये मेरे पूर्वजों का देन है, पुरजों के द्वारा गिफ्ट किया गया हुआ है। द किंग आस्क, राजा पूछा, वाट आर यू डूइंग नाउ। वाट आर यू डूइंग नाउ का मतलब क्या हुआ, समझ में आ गया, अब तुम क्या कर रहे हो, अभी तुम क्या कर रहे हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आई एम प्लांटिंग अ मैंगो प्लांट, और बहुत ही नम्रता पूर्वक से जवाब दिया बगीचे वाला ने, गार्डनर ने, माली ने, कि मैं अभी आम का पौधे लगा रहा हूँ। सेड द गार्डनर, ओके। द किंग सेड, राजा कहा, यू आर प्लांटिंग अ मैंगो प्लांट नाउ, यू आर प्लांटिंग अ मैंगो प्लांट नाउ। तुम अभी, यू आर मीन्स क्या होता है प्लांटिंग, तुम पौधे लगा रहे हो एक आम का प्लांट नाउ, ठीक है। तो अ मैंगो प्लांट ग्रो, जब ये बड़ा होगा, बड़ा होता है, एंड बियर फ्रूट आफ्टर मेनी ईयर्स ऑफ इट्स प्लांटिंग। इसका मतलब होता है अ मैंगो प्लांट ग्रो, या जब आपका पौधा जब बड़ा होता है, और बियर मीन्स देना, फ्रूट फल देगा, आफ्टर मेनी ईयर्स कुछ सालों बाद ऑफ इट्स प्लांटिंग, आप जो पौधे लगाए हैं उसकी द्वारा कुछ सालों बाद यह आम का पेड़ बड़ा होता है और पौधा देता है। तो डू यू थिंक यू विल बी अलाइव टू ईट फ्रूट। क्या तुम जानते हो कि तुम इस आम का फल खाने के लिए जिंदा रहोगे। तो द गार्डनर रिप्लाइड, बगीचे वाला ने पूरी नम्रता पूर्वक से जवाब दिया, टिल नाउ, अब तक आई हैव
eaten many fruit from the tree. अब तक मैं ये सब पेड़ पौधे से बहुत आम मैं खा चुका हूँ. Those tree were planted by my forefather. क्योंकि ये सब जो पेड़ पौधे थे यह मेरे पूर्वजों द्वारा लगाया गया है. ठीक है, समझ में आ गया. एंड पिता द्वारा. सो आई शुड ऑल्सो प्लांट ट्री फॉर अदर पीपल. इसलिए मैं दूसरों के लिए यह प्लांट लगा रहा हूँ, लगाना चाहिए, राइट. ठीक है, लगा रहा हूँ. इफ आई प्लांट ट्री ओनली फॉर माई सेल्फ. यदि मैं ये प्लांट मैं अपने लिए लगाता हूँ तो यह स्वार्थपूर्वक होगा. इट विल बी सेल्फिशनेस, राइट. समझ में आ गया. द किंग वॉज वेरी हैप्पी विथ हिज रिप्लाई. ही गेव द गार्डनर 20 गोल्ड कॉइन एज रिवार्ड. किंग वॉज उसके जवाब से बहुत ही खुश हुआ था. विथ हिज रिप्लाई, ठीक है. ही गेव द गार्डनर, वह गार्डनर मालिक को 20 गोल्ड कॉइन, सोने का जो कॉइन होता है उसको रिवार्ड के तौर पर दिया. तो बच्चे इस कहानी से समझ में आ गया होगा, और यदि नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताना. फिर से मैं इस कहानी को अच्छी तरह से इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर देंगे. तब तक के लिए हम यहीं पे, नमस्कार.